दोस्तों काम बोलेगा चैनल से मैं राजेश वर्मा इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास जो टेबल फैन है उसकी प्लग वायर को बिजली की बोर्ड में लगा देते हैं, फिर स्विच को ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पंखा है वो नहीं चलता है। तो इस पंखे में आखिर प्रॉब्लम क्या आ गई है? फिर बिजली की बोर्ड को हम चेक करते हैं। ये देखिए बिजली की बोर्ड को चेक करते हैं तो इस बिजली की बोर्ड में जो है करंट जा रही है, करंट की सप्लाई हो रही है, लेकिन टेबल फैन नहीं चल रही है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कई बार काफ़ी सिंपल छोटी सी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसकी कारण से नहीं बनती है, और उसी के कारण से हम पंखे को उठाकर किसी बड़े दुकानदार टेक्नीशियन के पास लेके चलते हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में गाइड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं पंखा है, पंखा की हम एक एक करके लीड वायर को चेक करते हैं। कई बार हम वायर को ज्वाइंट करके रखे रहते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ज्वाइंट नहीं किए हैं, तो कभी कभी घर में चूहे वगैरह घूमते रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल छोटी सी जो कि दिख नहीं पा रही है, कैमरा जूम करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, और क्लियरिटी लाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम रहती है, देख पा रहे हैं आप, सिंपल चूहा डंक मार दिया है जिसके कारण से हमारी टेबल फैन नहीं चल रही है। इसी के कारण हम इसको बड़ी बड़ी दुकान में ले जाते हैं और हमारी पैसा जो है खर्चा हो जाती है। दोस्तों मेरे आप यहाँ पर जो वायर है हल्का सा चूहा वगैरह डंक मार दिया है जिसके कारण से वायर आपस में डिस्कनेक्ट हो चुकी है, करंट तो जा रही मगर यहाँ से सप्लाई अंदर नहीं जा रही है, जिसके कारण से टेबल फैन जो नहीं चल रही है। सिंपल क्या करनी है, इसको छिलनी है, छिलकर फिर से जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हम पहले ध्यान देंगे कि ये जो प्लग होती है बिजली की बोर्ड पे नहीं लगी होनी चाहिए। चलिए इसको तो चलिए देखिए दोनों तार को हमने आपस में बिल्कुल जोड़ दिया है। यहाँ पर एक तार को आगे दूसरी तार को पीछे इसलिए जोड़ा है ताकि कभी यहाँ पर टैपिंग करे और टैपिंग गलती से खिसक गई या फिर कभी कभी टैपिंग की चोक खत्म हो जाती, खराब हो जाती है, तो ये जो तार है वो आपस में नहीं जुड़ेगी, शॉर्ट होने की चांस बिल्कुल नहीं होगी। देख पा रहे हैं आप काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से इस तरीके से जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद टैपिंग लगा लेंगे। मैं इस वीडियो में टैपिंग लगाते हुए नहीं दिखा रहा हूँ, टेबल फैन को चालू करके दिखाते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पर हमारी टेबल फैन है, अब बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं इसको ये इस तरीके से, अब स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी टेबल फैन है चालू हो जाती है। सिंपल एक वायर जो है कट गई होती है जिसके कारण हमें कई बार सिर्फ ध्यान नहीं देते हैं इसलिए नहीं बन पाती है। दोस्तों छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, वायर में भी प्रॉब्लम आती है, वायर चेक करेंगे पता चलेगी प्रॉब्लम, ठीक करेंगे, काफ़ी सिंपल और सरल तरीका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लेकर आऊँगा मैं नई वीडियो काम बोलेगा इस चैनल पर, अगले चैनल पर मैं बोलूँगा। दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।